क्या कभी आपने सुना है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान घड़ी घड़ी हो मोबाइल हो एक ऐसा देश है जहां पे तराजू पे तौल के बेचा जाता है। जी हाँ, मोबाइल हम क्या खरीदते हैं, पीस में खरीदते हैं। एक पीस का दाम इतना है, दूसरे पीस का दाम इतना है, 10,000, 20,000, 25,000 इस तरह के दाम होते हैं। लेकिन आज एक ऐसा देश है वहां की कीमत जब आप जानेंगे, जब सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज चाइना की, मैं बात कर रहा हूँ आज जापान की। ये दो देश ऐसे हैं जहां पे आपको, आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो एक वॉच की जरूरत होती है। अगर हम बजट में वॉच की बात करें तो डिजिटल वॉच आता है जिसे आप, उसमें नंबर डिस्प्ले होते हैं और वह वॉच आपको आपके देश में सपोज करिए कि वह 15 रुपए और 20 रुपए 30 रुपए में मिल जाते हैं। जरा सोचिए कि जब आपके देश में वह घड़ी 15 रुपए में 20 रुपए में और 30 रुपए में मिलती है, उस देश में कितने रुपए में तैयार होती हो, ये जानते हैं? ये वहां के, इन जिन देशों की, मैं चाइना की बात कर रहा हूं, मैं जापान की बात कर रहा हूं। तो यहाँ की जो एजुकेशन प्रणाली है, वहां की ट्रेनिंग जो है वो इतना बेस्ट है कि वहां का लड़का, हर घर में वहां पे इलेक्ट्रॉनिक चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। उन पे जो टैक्स का बोझ है वो टैक्स का बोझ भी इतना नहीं होता है, हर आदमी काम करता है। हम क्या करते हैं, हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी जो ट्रेनिंग व्यवस्था है वह बिल्कुल अलग है। आज हमें जरूरत है अपनी व्यवस्था को भी बदलने की। अगर वहां पे केजी के हिसाब से, यानी 1 केजी में जितना आ जाए, 100 पीस आ जाए, सपोज करिए कि 1 केजी मैंने खरीदा और 1 केजी की कीमत जो होती है मान लीजिए 50 रुपए आती है। 1 केजी हमने घड़ी लिया और उस 1 केजी घड़ी की कीमत जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट प्राइस आती है, वो प्राइस कितनी आ गई आपकी, 50 रुपीज, यानी 50 रुपए आ गए। अब 50 रुपए में कम 1 किलो में एक घड़ी कितने वजन की होगी, जरा ये भी देख लीजिए। तो कम से कम जो है उसमें 50-60 पीस तो चढ़ी जाएंगे, 50-60 पर चढ़ जाएंगे, 40-50-60 तो चढ़ी जाएंगे ना 1 किलो में, या नहीं चढ़ेंगे? 1 किलो मतलब 1 किलो घड़ी आपने लिया तो 1 किलो घड़ी में आपकी 50 पीस ही आते हो मिनिमम, मैं मान लेता हूं। और वह 20 रुपए में बिकता है आपके यहाँ, तो जरा जोड़ लीजिए कितना हो गया। 50 रुपए में आपने किया, खरीदा, परचेज किया वहां से, चाइना से, और वो बिका यहाँ पे आकर के। ये आता कैसे है, माल लोग स्मगल करके हमारे देश में भेजते हैं और हमारे देश का पैसा ले जाते हैं। तो पहली बात तो हमें इन सामानों का तिरस्कार तो करना ही चाहिए, हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे, हमारा देश का पैसा हमारे देश में होना चाहिए। लेकिन अब जब सस्ते की बात आती है तो यहाँ कितनी भी चाहने के बाद भी हम उनके प्रोडक्ट की तरफ खींचे चले जाते हैं। हम क्या कुछ ऐसा करें, जब हम टेक्निकल होंगे, जब हम सारी चीजें हमारे अंदर होंगी, जब हम भी उस तरह से घर घर में हम मैन्युफैक्चरर का काम कर पाएंगे, घर घर में घड़ी बनेगा, मोबाइल बनेगा, तब हम विकास के मार्ग पर बढ़ेंगे। फिर हम अपने माल उनकी मार्केट में बेचेंगे और उनसे भी सस्ता बेचेंगे। ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी सोच को और डेवलप कर लेंगे और आप एक उस दिशा में काम करेंगे। मैं जानता हूं कि यह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसमें हम तो करना चाहते हैं लेकिन सरकार भी हमें मजबूर कर देती है, हमें इतना टैक्स हम पे लाद देती है कि हम उस चीज को कर नहीं पाते हैं और देखते ही देखते हमारा प्रोडक्ट और भी महंगा हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस बात से, इस जंग से, इस पूरी सोच से हमारी लड़ाई है। अपने ही देश में जो हमारे राजा हैं, जिसे राजा देश का जो शासन चलाता है, केंद्र सरकार, वह एक तरह से राजा ही है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी यह कहना चाहता हूं कि हमारी भी जो अर्थनीति हो वह उन देशों की तरह से हो, ताकि हम भी आगे जा सकें। आज उनकी जनसंख्या हमसे भी ज़्यादा है लेकिन फिर भी हमसे आगे हैं, आज उनकी जनसंख्या हमसे आगे हैं, हम उनकी जनसंख्या के बराबर पहुंचने वाले हैं, फिर भी उनसे हम कम से कम नहीं भी हैं तो 10 बरस पीछे हैं। जी हाँ, 10 बरस हम उनसे पीछे हैं। वो बात अलग है कि आप राजनीति की बात करके आप इसको साबित कर दीजिए कि नहीं नहीं हम उनसे भी आगे हैं, इसकी कोई बात नहीं है। झूठ बोलने की कोई वजह नहीं होती है, आप चाहे जो कुछ भी बोल लें, लोग सुनने वाले हैं, सुनेंगे, लेकिन हम अपनी बात जरूर रखेंगे। तो आज जरूरत है हमें टेक्निकल, ठीक है, हमें कोई नौकरी नहीं मिल रहा, हम अपने ऐसे हुनर को करेंगे और हम उस तरह का काम करेंगे। आज यही कारण है कि हमारे देश के लोग बाहर के देशों में जाके काम कर रहे हैं। आप जरा देखिए कि भारत से जितने लोग हैं, भारत से बाहर जाते हैं और बाहर जाकर के अमेरिका में, कनाडा में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में भारत सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों में वह हौसला है, वह हुनर है, वह कर पाते हैं और हमारे देश में इन लोगों की उपेक्षा होती है। एक इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें उपेक्षाएं होती हैं। इन्हें प्रॉपर वे में अगर समय मिले, प्लेटफॉर्म मिले, तो निश्चित रूप से हमारा देश भी आगे बढ़ सकता है। अगर ये लोग, हमारे ही देश के लोग जाकर के
और अमेरिका को बढ़ाते हैं आगे, कनाडा को आगे बढ़ाते हैं, जापान को, क्या हमारे देश को नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं यदि उन्हें मौका दिया जाए तो, लेकिन हमारे देश में मौका ही नहीं दिया जाता है। हमारे देश में जो भी हुनर होता है और जो भी महत्वाकांक्षा होता है वह एक दिन पैसे के अभाव में दम तोड़ देता है। आइए इन सारी समस्याओं से लड़ते हुए हम एक नए इतिहास लिखें और एक नए रास्ते की तरफ बढ़ें। आप कुछ भी कर सकते हैं, जी हाँ, आप कुछ भी कर सकते हैं जब आप ठान ले तो। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।